हाय फ्रेंड्स, द जब्स जंक्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस तांडव बैच का स्पेशल महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला देख रहे थे, उसी में आज का हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्लास को, है ना। तो बिना देर किए हुए हमारे साथ बने रहिए और अंतिम तक देखिए। और अंतिम में जो है हम आपको एक वैसा तकनीक बताएंगे जिसकी मदद से आप लाखपति करोड़पति हो जाइएगा, पूरा दुनिया को घूमिएगा। तो एकदम मेरे साथ बना हुआ बने रहिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पता है दिल्ली सल्तनत जो है आपका 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला है, और इसके बीच में जो है पांच वंश कार्यरत हैं, यानी कि राज किए हैं। कौन कौन सा? तो गुलाम वंश 1206 से 1290, उसके बाद आता है खिलजी वंश, है ना। खिलजी वंश कब से कब तक था भाई? 1290 से 1320 तक। उसके बाद आता है तुगलक वंश कब से? 1320 से 1414 तक। फिर आता है सैयद वंश। कौन वंश है भाई? सैयद वंश, है ना। यह था जो है 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद आता है लोधी वंश कब से कब तक था? 1451 से 1526 तक। तो ये तो दिल्ली सल्तनत के सभी वंश हो गए। और यहाँ पे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका राजधानी कहाँ पे था? लाहौर में था। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेगा तो कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको कई नामों से बुलाते थे, जैसे लाख बख्श, लाखों का जो है दान करता था इस वजह से। उसके बाद पिल बख्श क्यों बुलाते थे? तो हाथी का दान करता था, है ना। और इसने जो है बख्तियार काकी के याद में किसका निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार का जो है कार्य किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और उसके पांचवें मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, बाबर ने तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुजू के बाबरिया जो है इसका क्या था? तुजू के बाबरी बाबर का जो है आत्मकथा था। बाबर का क्या था भाई? आत्मकथा था, है ना। और यह जो है तुर्की भाषा में लिखा था। अब हम बात करेंगे बाबर के बारे में। तो बाबर के पिता का नाम क्या था भाई? उमर शेख मिर्ज। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज, है ना। और यह जो है मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। किसका संस्थापक? मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और इसके शासन काल की बात करेंगे तो 1526 से 1530 तक रहा, ठीक है। और इसका जो है जो मरने के बाद जो इसको दफनाया गया, कहाँ पे दफनाया गया था? तो काबुल में दफनाया गया था। कहाँ पे दफनाया गया था भाई? काबुल में दफनाया गया था, क्लियर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मोहम्मद गजनवी के समय भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो अलबरूनी था। कौन था भाई? अलबरूनी था, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता यह जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसका अनुसार इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अनुसार बना सकते हैं। जैसे उसमें दे देगा ताम्रपाषाण युग का, उसके बाद दे देगा आपको मतलब कांस्य युगीन, या फिर दे देगा तांबा का युग था, या फिर लोहे का युग था, है ना। इस तरह से ऑप्शन दे देगा तो उसमें क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन। उसके बाद ये इसी प्रश्न को एक तरह से इस तरह से पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, क्लियर है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह आपका बोध गया बिहार में है। कहाँ पे है भाई? बोध गया बिहार में। यहीं पे जो है महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुआ था। क्या हुआ था भाई? ज्ञान प्राप्ति हुआ था, क्लियर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले तीर्थकर की अगर बात की जाएगी तो वे थे आपको ऋषभदेव। कौन थे भाई? ऋषभदेव। कहाँ के थे? तो अयोध्या के थे। इनका घर कहाँ था? अयोध्या का था। और वहीं अगर पूछ दे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो हो जाएगा महावीर। कौन कौन था भाई? महावीर,
ठीक है, और यह अंतिम तीर्थकर भी थे। तो जब यह अंतिम थे, तीन सौ पहले कौन था, यानी कि 23वां तीर्थकर कौन था, तो पार्श्वनाथ। 23वां कौन था, पार्श्वनाथ। क्लियर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, यानी कि आपको आपको जो है पता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था। तो वही कह रहा है कि पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो यह जो है नादिया जिला पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में है, भागीरथी नदी के किनारे। किस नदी किनारे भाई, भागीरथी नदी के किनारे। और पलासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजी सेना की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। और यह अंग्रेजों की भारत में पहली विजय थी। और इसके बाद जो है दूसरा युद्ध, दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वह था बक्सर का युद्ध। कौन था भाई, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। क्लियर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध है, यानी कि IVF का संबंध है, तो किससे है, तो परख नली शिशु के लिए है। किससे है भाई, परख नली शिशु के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, बिहार पुलिस में एकदम कई बार पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं। तो विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IVF बोलते हैं। इसका संबंध है परख नली शिशु से। और परख नली शिशु क्या होता है, यानी कि IVF क्या होता है भाई, तो निसंतान लोगों को संतान पैदा करने में मदद करता है। इस क्रिया से, इस मतलब जांच से, इस दवा से जो है क्या किया जा सकता है, निसंतान लोगों को संतान उत्पत्ति करने में मदद किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि यह IVF का जो है खोज किसने किया, यानी कि प्रयोग किसने किया। तो अगर पहली बार प्रयोग की बात किया जाएगा तो पैट्रिक एवं रॉबर्ट एडवर्ड ने किया था। कब किया था, 1977 में किया था। यह तो नाम से ही पता चल रहा है कि होगा विदेशी, एकदम गोरखा सब होगा, है ना। तो इसका प्रयोग जो है भारत में पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर TC आनंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर TC आनंद के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण बन जाता है यह प्रश्न, ठीक है। और अगला हमारा जो प्रश्न है वह है सोमनाथ, द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है, द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री, इसकी लेखिका कौन है, रोमिला थापर। कौन है भाई, रोमिला थापर। जब हम पुस्तक की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक की अगर हम बात करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्व कई बार पूछ चुका है, वह है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लेखिका अरुंधति राय। और इन्हीं का एक और पुस्तक है द अलजेब्रा ऑफ इंफिनिटिव जस्टिस, द अलजेब्रा ऑफ इंफिनिटिव जस्टिस, ये भी, इसकी भी लेखिका कौन है, अरुंधति राय। यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द अलजेब्रा ऑफ इंफिनिटिव जस्टिस के लेखिका कौन है, अरुंधति राय। उसके बाद एक और बहुत बढ़िया पुस्तक है, वह है लज्जा, है ना। लज्जा हमारी क्या है, भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो लज्जा नामक पुस्तक किसने लिखा था भाई, तस्लीमा नसरीन ने लिखा था। क्लियर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम का अर्थ है, यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का 2 है उसमें एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, वह है दोहरे जोखिम, यानी कि दोहरे मतलब दो, जोखिम मतलब कष्ट देना, दंड देना, है ना। तो दोहरे जोखिम का क्या अर्थ है भाई, तो किसी व्यक्ति को किसी भी सजा के लिए, यानी कि किसी भी गलती के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं हो सकती, यानी कि एक अपराध के लिए एक सजा ही होगी। जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं, एकदम पीछे बैठाए हैं अपनी वाली को, है ना, एकदम बिना हेलमेट के एकदम उड़ रहे हैं, और वहां पे क्या करेगा, पुलिस आपका चलान कर देगा, यानी कि आपने गलती किया और आपको दंडित किया गया, चलान किया गया। अब वह चलान जो है 24 घंटे, यानी कि उस
दिन के लिए जो है फिर आपका दोबारा चलान नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही आप घूमते रहिए बिना हेलमेट के, आ जाके लड़ जाइए, कहिए मुड़ी उड़ी सब मुंह सब फरवा लीजिए, है ना। तो हेलमेट लगाना काफी जरूरी है, 100 मीटर भी जाइए हेलमेट लगा के जाइए, क्लियर है। अगला जो प्रश्न है वह है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित तभी हो सकता है जब वह, यानी कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, यानी कि क्या क्या गुण आपके अंदर होने चाहिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि भारत का नागरिक हो। क्या हो भाई, भारत का नागरिक हो, पता चला विदेशी के कोने बना दिए, वो गायब हो गया, है ना। तो क्या होना चाहिए भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात कि 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, यानी कि वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष की उम्र का होगा, तो 35 वर्ष की उम्र का होगा। ऐसा है ना कि 22 वर्ष का बना दिए, अन्य उन्हें ताक रहा है कोनो सभा उभा में गया तो, है ना। तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। उसके बाद LS की सदस्यता की योग्यता रखता हो, LS बोले तो लोकसभा, है ना, लोकसभा की सदस्यता रखने का उसके अंदर योग्यता होना चाहिए, ठीक है। तो 3 हुआ नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र हो और लोकसभा की सदस्यता रखने की योग्यता रखता हो। उसके बाद है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर मतलब कहने का मतलब वो पहले से कहीं नौकरी वगैरह नहीं करता हो, है ना, किसी पद पे नहीं हो, ठीक है। उसके बाद है पागल या दिवालिया ना हो। अब उसका आप जो है भारत का सर्वोच्च प्रधान उसको बना रहे हैं, अब पता चला उसका दिमाग नहीं है, है ना, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, वो किसके चक्कर में पहले पड़ चुका है, तो कबूतर उबदर के चक्कर में पड़ चुका है और उसका दिमाग खराब है, उसको राष्ट्रपति बना दिए, तो ऐसा नहीं होगा, तो उसको नहीं बनाया जा सकता है, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। तो यह सब जो है राष्ट्रपति बनने के लिए यह सब योग्यता हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि योग्यता का जो चर्चा भारतीय अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 58 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान बनाया गया है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 52 में है, यानी कि अनुच्छेद 52 कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो भारत के संवैधानिक प्रधान होंगे, क्लियर है, अनुच्छेद 52। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 53 की, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है अनुच्छेद 53 के अनुसार किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम मतदान की बात करेंगे कि राष्ट्रपति का मतदान कैसे होगा, तो वह जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 55 में किया गया है, अनुच्छेद 55 में किया गया है। और राष्ट्रपति का जो मतदान होता है, चुनाव होता है, वह आपको अप्रत्यक्ष रूप से होता है, किसके किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्लियर है। तो इतना आप समझ गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि भारत के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति कौन हुए, तो वे थे वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी थे। कब उनका शासन काल, 1969 से 1974। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायणन। कौन थे भाई दलित राष्ट्रपति, तो के आर नारायणन। कब से कब तक, 1997 से 2000 के बीच, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, भारत के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, सॉरी भारत का कह रहे हैं, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, तो कौन होता है भाई, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। अब राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, 155 में की गई है। कब की गई है भाई, 155 में की गई है, ठीक है। उसके बाद राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, यानी कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल जो है वह कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा, तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 153 में। किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 153 में हो जाएगा। उसके बाद राज्यपाल जो है सीएम को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है, 164 में कही गई है। किसमें कही गई है, 164 में कही गई है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 13 नंबर सवाल का, तो जिला परिषद का सचिव होता है, तो जिला विकास
पदाधिकारी होता है, जिला विकास पदाधिकारी, जिला परिषद का सचिव, जिला विकास पदाधिकारी। और आपको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत के भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्लियर है। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। कितना दिया है भाई, 50% आरक्षण दिया है, क्लियर है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है, बिहार पुलिस या बीपीएससी वगैरह में भी पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो आयाम वर्ग के, किसके वर्ग के, आयाम वर्ग के, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, बनौली प्रमेय लागू होता है, कहाँ लागू होता है भाई बनौली प्रमेय, तो द्रवों के प्रभाव पर लागू होता है, द्रवों के प्रभाव पर लागू होता है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबित आपतित होती है, शून्य होगा, क्या होगा भाई, शून्य होगा। प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंबित आपतित होती है, क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश की चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य होता है, क्लियर है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है किसमें, ठोस में। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठोस, द्रव या गैस, इनमें से कोई नहीं, तो कौन मारिएगा, ठोस में मारिएगा, क्लियर है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है, तो पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उतलता परिवर्तन से, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उतलता परिवर्तन से क्या किया जाता है, तो स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, यानी कि किससे बनाया जा सकता है अस्थायी चुंबक, तो आ जाएगा आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट से जो है अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है। देखिए अभी तक तो आप लोग सुनते आ रहे होंगे, दीवार को कान होता है, दीवार सुन लेता है, तो दीवार तो सुन तो लेता है लेकिन उसका पता भी लगा लेता है, तो आइए जानते हैं लोग कि दीवार जो बात सुनता है उसका पता किसके द्वारा लगाता है, तो विवर्तन तथा गुणता द्वारा, विवर्तन तथा गुणता के द्वारा जो है दीवार के पीछे खड़े व्यक्ति की आवाज की पहचान की जा सकती है, क्लियर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जो है निम्न प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में लगाया जाता है, इसमें लगाया जाएगा निम्न प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में लगाया जाएगा, समानांतर क्रम में लगाया जाएगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, आप लोग तो देखते होंगे आपके गांव घर गली मोहल्ला सब में ट्रांसफार्मर लगा होगा, और आप लोग यह बात भी सुनते होंगे कि ट्रांसफार्मर पर बहुत ज्यादा लोड हो गया है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है ज्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहा है या लोड नहीं सह पा रहा है, तो उसका प्रयोग क्या होता है, पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में, मतलब बहुत ज्यादा बिजली जो है प्राप्त करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। जैसे छोटा ट्रांसफार्मर रहता है तो सुनते हैं कि भाई बड़ा ट्रांसफार्मर लगा दो सारा समस्या समाधान हो जाएगा, है ना, तो किस लिए किया जाता है, पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में, ठीक है। उसके बाद अगला हम बात कर लेते हैं, कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन हुआ था, यानी कि अंग्रेज अध्यक्ष विदेशी अध्यक्ष कौन हुआ, तो वह था जॉर्ज यूले था, कौन था भाई, जॉर्ज यूले। इसने जो है 1888 में इलाहाबाद में जो है अध्यक्षता की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में, ठीक है, 1885 में। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, कौन थे भाई, WC बनर्जी, यानी कि वीएमएस चंद्र बनर्जी, क्लियर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
चावल उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए आवश्यक है, यानी कि चावल जो है वह क्या है, उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल है और इसके उत्पादन के लिए जो है कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि चावल का, तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो कटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई, कटक में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अब हम अगर बात करें कि विश्व में जो है चावल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है, यानी कि प्रथम नंबर पे कौन है, तो हो जाएगा आपका भारी दुश्मन, है ना, चीन। चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, है ना। तो चावल का जो है विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि विश्व में जो है चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वह हो जाएगा फिलीपींस की राजधानी कहाँ, मोलिना। कहाँ हो जाएगा भाई, मोलिना। और इसी मोलिना में जो है आपको एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है एडीबी का, ठीक है। तो ये हो गया चावल अनुसंधान संस्थान हो गया है ना कटक। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत बनी है, यानी कि जो ओजोन है उसका ऊपरी परत किससे बना होता है, तो ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन से। ऑक्सीजन के तीन अणु मिल करके जो है एक अणु बनाते हैं, ओजोन का एक अणु बनाते हैं, ठीक है। अगर हम ओजोन की अगर हाइट की बात करेंगे, ऊंचाई की बात करेंगे, तो ऊपर में जो है 32 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर के बीच जो है ओजोन परत फैला हुआ है। अब जो है हम बात करते हैं कि ओजोन को जो है हम लोग पृथ्वी का कवच भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो सूर्य का किरण आता है वह ओजोन परत में जो है फिल्टराइज होकर के हमारे स्किन पे पड़ता है, हमारे वायुमंडल में आता है ना। अगर बीच में ओजोन परत गायब हो जाए तो सूर्य का टेम्परेचर तापमान इतना तेज हमारे ऊपर आएगा कि हम लोग का क्या हो जाएगा, खुजली, एकदम खुजाते रहिएगा दिन रात, और भी बहुत भयंकर भयंकर बीमारी हो जाएगी। अब जो हम बात करते हैं कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो डाब्सन इकाई के द्वारा मापी जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो ओजोन परत से रिलेटेड जितना बात है उसको हमने किया। उसके बाद अगला प्रश्न है वह है भूकंपीय तरंग को मापा जाता है, सिस्मोग्राफ। देखिए यहाँ पे भूकंप से रिलेटेड जितना माप तौली सब है उसको हम सब देख लेंगे, सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, तो एकदम बने रहिए हमारे साथ। भूकंपीय तरंग को मापा जाता है सिस्मोग्राफ, यानी कि तरंग को मापा जाता है किससे, सिस्मोग्राफ से। अब अगर बात कर दे कि भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है, तो वो हो जाएगा रिक्टर स्केल। क्या हो जाएगा भाई, रिक्टर स्केल, तरंग सिस्मोग्राफ, तीव्रता रिक्टर स्केल, और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सिस्मोलॉजी कहलाता है, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, यानी कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है भाई, तो पृथ्वी की सतह की वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होती है, पृथ्वी की सतह की वह बिंदु जो भूकंप केंद्र पर क्या कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है हमारा, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए भाई, तो तेल के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से तेल निकाला जाता है। और अंकलेश्वर जो है किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, क्लियर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो जस्ता और तांबा का। पीतल बनाने के लिए 30% जस्ता का प्रयोग होता है और 70% तांबा का प्रयोग होता है, क्लियर है। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है, जस्ता और तांबा का हो गया। उसके बाद हमने आपको शुरू में ही बोला था कि आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहिए, हम आपको एक वैसा तकनीक बताएंगे जिससे आप करोड़पति लाखपति बन सकते हैं, तो वह तकनीक आइए हम लोग जानते हैं वह क्या है। तो सिक्के बनाने के लिए प्रयोग होता है, यानी कि जो हम लोग का सिक्का बनता है उसके लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो मुंज मेटल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो मुंज मेटल का। मुंज मेटल
सिस्टम कैसे बनता है भाई, तो तांबा और जस्ता को मिला के जिसमें 60% तांबा रहता है और 40% जस्ते को मिलाया जाता है ना। तो मुंज मेटल द्वारा सिक्के बनाने में आप आराम से आप सिक्का बना सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको करोड़पति लाखपति बना दिया, आप जितना ज्यादा बनाइएगा वैसा पति बनेंगे, है ना। और पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आप समझ ही रहे हैं कैसा पति बनेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, यह बात भी बोले थे कि आपको हम पूरी दुनिया को घुमाएंगे, तो दुनिया को घुमाने के लिए हम बात कर लेते हैं प्राथमिक प्राकृतिक, यहाँ पे मिसमैच हो गया है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो कौन हो जाएगा, मीथेन CH4 उसका फॉर्मूला होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो CH4 यानी कि मीथेन है। यहाँ पे आप पूरे दुनिया प्राकृतिक को घूम रहे हैं पैसा बनाने के बाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा बस एक ही लक्ष्य है, आपके ऊपर वर्दी चढ़ा देना, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।